अनवर अनवर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। टाइम हो रहा है जी सुबह के 8:30 और मैं उठा था सुबह 6:00 जो है तकरीबन 5:30-5:35 पे मैं उठा था और 6:15-20 तक बारिश है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बारिश हुई है और अभी बारिश जो है वो काफ़ी हल्की हो गई है। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया आज, अभी भी जो है हल्की हल्की बारिश जो है वो लगी हुई है और सुबह जब बारिश हो रही थी तो यहाँ तक अंदर जो है हॉल में यहाँ तक पानी जो है वो जमा हो गया हुआ था, इतनी ज़्यादा स्पीड से बारिश जो है वो हुई है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अबू जो है वो मंडी गए हुए हैं, तो नाश्ता वगैरह अभी नहीं बना, जब वो आते हैं तो फिर सबके लिए इकट्ठा नाश्ता जो है बना जाता है। चाय मैं यहाँ पे रखी हुई थी और ये बिल्कुल ठंडी है, तो अभी से जो है थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। साथ में बिस्किट ले आया मैं दुकान से, तो ये खाएँगे साथ में। ए बिल्लो की करना है बाहर देखना है, तो ना मामू बाहर निकल के इधर नंद आ गया है, बारिश ठंड लग रही है, ऐनी जान है तेरे जे फिर भी ठंड लगी। ये देखें जी जब बाबो किधर से आ रही है, ये बाबो के काम चेक करें जी, बारिश में नहा रही है। अभी जो बारिश का बहाव है, पानी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया सुबह की नस्बत, सुबह जो था काफ़ी ज़्यादा पानी तेज़ था। ये आए हैं यहाँ पे शान भाई, शान भाई क्या सूरत हाल है, पानी शानी हो भैलियों च नहीं? पानी शानी कोई नहीं होता, गेरे हैं रोई जिमें पानी जाता तो उम्मीद है कि बन्ने के उत्तर भी जाएगा, लेकिन नहीं कोई मसा निजाम नहीं, पानी कोई नहीं होता रोई। बारिश दसी दी है पूरा दिन नहीं अज्ज? आहो आंदे ने 95% दसी दी है, हुण बंदे जा रहे ने वेखो की सूरत हाल है आंदे। लो जी तो अभी टाइम हो रहा है जी 11:50, तो बारिश वगैरह जो है वो बंद हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और अभी हम आए हैं जी खेतों की तरफ। तो ये जी यहाँ पे कद वगैरह हो रहे हैं पूरे ज़ोरों शोर में, काम जो है वो जारी है खेतों की तरफ। अबू जा रहे हैं कई लेके और यहाँ पे हमारी जो मूंजी है ये सामने लगाई जा रही है। अभी पूरी रोई में जो है काफ़ी ज़्यादा कद वगैरह जो है होने वाले हैं, ये सारी ज़मीनें जो हैं अभी होने वाली हैं रेडी और ये कद जो है ये भी होने वाला साथ वाला, तो यहाँ पे तकरीबन हमारा वाला हुआ है और उसके साथ ये एक हुआ है, उसके अलावा ये हो रहे हैं अभी ट्रैक्टर लगे हुए हैं। अब वो बता रहे हैं कि जी यहाँ पे सामने यहाँ पे मेंढक है काफ़ी ज़्यादा, ये जो नज़र आ रहे हैं पीले पीले से, ये वहाँ पे जाते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। पानी की जो है किल्लत काफ़ी ज़्यादा थी, पानी अभी काफ़ी ज़्यादा कम है खेतों में, तो उसकी वजह से लोगों ने कद वगैरह जो है अभी नहीं करवाए, काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें जो हैं अभी रहती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जो अभी कद होने वाला है, तो फिर मूंजी जो है धान की फसल जो है लगाना स्टार्ट करेंगे लोग। सर जी ला लो मूंजी जा के, की मसला तुहानू क्यों नहीं ला रहे? डड्डुआ का शो वेखण आया था। तो जी तो बारिश होने के बाद जो है मेंढकों ने फुल शोर जो है मचाया हुआ खेतों में। ये आज जी जैन अभी से मोबाइल पकड़ाएंगे वीडियो के लिए और ये मैं सफाई करूंगा। लो जी तो अभी बने वगैरह सीधे किए हैं, ट्रक वगैरह घास वगैरह जो थी उसकी सफाई की है और मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो गया, बंद हो गया हर बार की तरह, तो पीछे ये ट्रैक्टर वाला जो है वो आ गया रास्ते में से, हमने पता किया तो मिल गया, तो अभी वो आ गया। कद जो रहती है ज़मीन ये वाला खत्ता जो है, ये वाला जो खत्ता है और ये साथ वाला जो खत्ता है वो अभी रहता है कद करने वाला, तो अभी ये ट्रैक्टर वाले से मोबाइल लिया तो उसके मोबाइल पे जो है वीडियो बना रहे हैं, रिज़ल्ट पता नहीं ये किस तरह का आ रहा है, यहाँ पे धूप है थोड़ी सी तो नहीं समझ आ रही।
ये आगे लगी हुई है एक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे, तो उसकी वायर जो है वो गई हुई है यहाँ पे। लो जी, तो बैक साइड पे जो ट्रैक्टर है वो निकल गया। यहाँ पे फुल ट्राई किया ट्रैक्टर चढ़ाने का लेकिन नहीं चढ़ा, तो अब इस साइड से ट्राई कर रहे हैं जी। और ये फिर से मेरे ख्याल से इधर भी जो है बुरी तरह से दम चुका है। गाड़ी जो है वो जमीन के साथ नीचे लग चुकी है, तो उसकी वजह से नहीं निकल रही। ट्रैक्टर जो है हमारे वाला वो पूरी तरह से जो है ज़मीन के अंदर फंस गया हुआ है, तो अभी दूसरा ट्रैक्टर जो है वो आ रहा है पीछे इस साइड से, तो अगर वो आ जाता है टाइम से तो फिर उसे निकालने की जो कोशिश है दोबारा करेंगे, अगर निकल जाता है तो कद जो है वो टाइम से हो जाएगा। अभी ट्रैक्टर को निकालने के लिए एक देसी जुगाड़ लगाएंगे। अभी यहाँ पे एक ट्रैक्टर आ रहा है, उसकी उम्मीद है कि इस साइड पे आएगा, अगर वो आ गया तो काम जो है बन जाएगा फिर। लो जी, तो अभी हम लोग जो सोहागा यहाँ से खींच के लेके जाएंगे वहाँ पे। अनवर है, अनवर जिंदाबाद। तकाला अनवर, तकाला आनी खिचा पे। लो जी, तो फाइनली काम वगैरह ख़त्म करने के बाद अभी घर वापस आ चुके हैं। अभी नहाए धोए हैं, फ्रेश हुए हैं, और काम थोड़ा सा हार्ड था, ख़त्म हो गया। मुंजी जो है वो धान की फसल, चावल की फसल जो है वो हम किसी और से लगवा रहे हैं, इस दफ़ा खुद नहीं लगाई, पहले भी खैर नहीं लगाते किसी से ही लगवाते हैं हर दफ़ा, तो फसल वगैरह लग जाएगी इंशाल्लाह। अब तकरीबन 3-4 दिन में काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी अभी गांव में काम थोड़ी शुरू हुआ है, इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो नहीं लगा रहे। बाकी अभी बोतल वगैरह पी जा रही है, तो अभी रेस्ट करेंगे। नींद जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो अभी जो है थोड़ी देर में दुकान वगैरह बंद होगी, तो फिर जो है वो रेस्ट करेंगे, सोएंगे। एडिटिंग अब 2-3 वीडियो जो है वो करने वाली पड़ी हुई है, तो वो करनी है, तो वो इंशाल्लाह जो है वो सुबह करेंगे, और फिर आगे का सफ़र जो है वो शुरू होगा जो भी होगा। बाकी ये ब्लॉग था, इस ब्लॉग करते हैं यही पे ख़त्म। अल्लाह पाक आपको, आपके वालदैन को अच्छी से लंबी ज़िंदगी अता करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।